हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टैकी पर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इंस्टाग्राम पर किस तरीके से पोस्ट करती हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत से लोग पोस्ट करना जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जिसने अगर ये नया अपना क्रिएट अकाउंट किया है इंस्टाग्राम पर, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है कि किस तरीके से वो अपनी फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पाएँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ से आपने अपना इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पाएँ। तो चलिए इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर रील्स देख लेते हो, बट आप यहाँ पर फोटो कैसे अपलोड करते हो, इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ आइकन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखे, तो सिंपली आपने इस पर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी के वो सारे फोटोज़ आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना कोई सा भी फोटो ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इस फोटो को ले लेता हूँ। फोटो लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको इसके कई सारे फिल्टर दिख जाएंगे। तो चाहे तो अपने अनुसार इनको चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपके आपके फ़ोटो पर अच्छा लगे। तो ये सब करने के बाद अगर आप चाहें इस फोटो की थोड़ी एडिटिंग करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर आसानी से एडिट वाले पर क्लिक करके इसकी एडिटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर आप कई सारे टूल दिए हुए, उनके थ्रू आप इस फोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद एडिटिंग, फिर आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपने कुछ अपनी फ़ोटो के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ों को फिल करना है। तो वो क्या, यहाँ पर आप अपनी कुछ फ़ोटो के ऊपर लाइन लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे एक टैग का ऑप्शन दिखेगा, आपके कोई दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार हो उसको टैग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर का ऐड लोकेशन, तो आप जहाँ रहते हैं या जहाँ से आपने फ़ोटो डाली उसका भी आप यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा ऐड म्यूजिक। अगर आप चाहते हैं तो अपने फ़ोटो के साथ कोई एक अच्छा सा म्यूजिक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ़ोटो के साथ साथ कोई अच्छा म्यूजिक लगेगा तो आपकी पोस्ट अगर कोई देखे तो वो उसको काफ़ी पसंद आएगा। तो ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा शेयर का, तो सिंपली आपने उस पर शेयर कर देना। जैसे आप उसको शेयर कर दिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट यहाँ पर शेयर हो गई, और जो भी आपके यहाँ पर फ्रेंड होंगे इंस्टाग्राम पर उन तक ये फ़ोटो पहुँच जाएगी और वो आपको इस फोटो पे लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी सिंपल तरीके से आप इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए जय।